के इमीडिएटली रामगिरी महाराज को गुस्ताखी करने पर और एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके लिए उन्हें जेलों के जेल के पीछे डाले। खिदमत मिल्लत की जानिब से स्वामी रामगिरी महाराज, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीन इस्लाम के ताल्लुक से जो गुस्ताखी और बयानबाजी की है उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से ये डिमांड करते हैं कि स्वामी रामगिरी महाराज को इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, क्योंकि हमारा देश सूफी संतों का देश है। संतों और महंतों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो मोहब्बत की, भाईचारगी की, शांति की, अमन की बात करें, मगर वो नफरतों की बात कर रहे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बात कर रहे हैं, जो सख्त अल्फाज में हम उसकी मजम्मत करते हैं और मुबारकबाद देते हैं महाराष्ट्र की अवाम को, उलमाए इकराम को, तमाम मकातिब फिक्र के जिम्मेदारान को। उन्होंने 10 घंटे खड़े होकर एफआईआर ये स्वामी के ऊपर, महाराज के ऊपर कराया है और महाराष्ट्र की गवर्नमेंट का ये काम है कि जिस तरीके से मुफ्ती मौलाना सलमान अजहरी साहब को बगैर उन्होंने किसी समाज का नाम लिए बयान देने पर आज 5-6 महीने से उन्हें गुजरात की जेल में रखा गया है, और एक दूसरे धर्म के जो सो कॉल्ड महंत है उनके साथ ऐसा रवैया और मौलाना मुफ्ती अजहरी साहब के साथ ऐसा रवैया, ये डबल स्टैंडर्ड खत्म करना है, क्योंकि ये देश सूफी संतों का देश है, ये मोहब्बत प्रेम करने वालों का देश है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अगर नफरत की बात करता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत उसे सलाखों के पीछे डालने की जरूरत है। हमारा स्ट्रांगली ये डिमांड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि इमीडिएटली रामगिरी महाराज को गुस्ताखी करने पर और एफआईआर जो दर्ज हुई है उसके लिए उन्हें जेल के पीछे डालें।